हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही शक्कर पारे। बहुत टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल आसान है इनको बनाना। आप इन्हें कभी भी बनाएं, किसी भी फंक्शन या किसी भी त्यौहार, होली आने वाली है, आप इन्हें होली के त्यौहार पर बनाएं, बिल्कुल अलग सा लगेगा। और आप इन्हें स्टोर करके 10 से 15 दिन तक बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को एंजॉय कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी मैदा और ये 150 ग्राम मैदा है। जिस भी कटोरी या कप से आप मेजरमेंट करें उसी से सारे मेजरमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है और अब उसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। आप तेल भी डाल सकते हैं घी की जगह। और 1 चुटकी नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मोयन कर लेंगे। मोयन अगर अच्छा होगा मैदे में तब आपके जो शक्कर पारे हैं बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप जब मोयन डाल रहे हों तो अगर आपको लग रहा है कि मोयन थोड़ा कम है तो आप इसमें घी या तेल और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, बनाकर लड्डू बनाकर देख लीजिए, अगर ये सारा मुट्ठी के फॉर्म में आ रहा है तब आपका मोयन सही है, और अगर नहीं हो रहा है तब आप इसमें थोड़ा सा मोयन और डाल दें। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक सख्त सा डो लगा लेंगे। पानी आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालें जिससे कि ये आटा आपका बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। एकदम हमें सख्त डो इसका लगा लेना है। एक तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल टाइट डो मैंने लगा लिया है। और अब हम इसे ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए और तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था देखिए उसी कटोरी से मैंने चीनी भी लिया है और मैदे से थोड़ी सी कम चीनी है इसमें हमने डाल दी कढ़ाई में। और जितनी चीनी ली है उतना ही हम पानी ले लेंगे और इसकी एक एक तार की हम चाशनी बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इलायची। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप भी इलायची डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से चलाते हुए हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक तार की चाशनी। एक तार की चाशनी तैयार है और इसे चेक करने के लिए हम इस स्पैचुला की हेल्प से थोड़ी सी चाशनी निकालेंगे और उसे थोड़ा ठंडा करके इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच में उसे खींचेंगे। और जब एक तार बन रहा हो तब आप समझ जाइए कि आपकी एक तार की चाशनी तैयार है। यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इधर हमारा डो भी तैयार है। हम इसे फिर से 1 मिनट मसल कर गूंद कर ये देखिए इस तरीके से शक्कर पारे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी एक लंबी सी लोई बना लेंगे ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम इसके एक साइज के सारे बॉल्स काट लेंगे। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसी साइज के हम सारे बॉल्स काट लेंगे या पेड़े काट लेंगे। और फिर हम इसे बिना आटा लगाए हुए या बिना तेल लगाए हुए बेल लेंगे ये देखिए। और बिल्कुल पतला बेलना है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना पतला हमें इसे बेल लेना है। और अब हम साइड से ये देखिए साइड से ऐसे काट कर एक रेक्टेंगल शेप की शीट इसकी बना लेंगे। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो साइड से निकला है इसे हम रख देंगे और फिर इसे यूज कर लेंगे। और अब हम इसमें बीच में कट्स लगा लेंगे, नीचे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच छोड़ देंगे और आधे आधे इंच पर ही हम इसमें कट भी लगा लेंगे ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए। और अब हम यहाँ पर साइड्स पे थोड़ा सा पानी लगाकर इसे हाफ फोल्ड कर देंगे ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में इस तरीके से। और फिर से हम पानी लगाकर फिर इसे मोड़ देंगे
ये देखिए इस तरीके से, और फिर बीच का जो है बीच में उंगली डालकर इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नीचे ऊपर ज़्यादा पार्ट है तो आप उसे थोड़ा सा ये देखिए इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक शेप हमारी तैयार हो गई, ये देखिए इसे रख लेंगे एक प्लेट में। और चलिए एक और मैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसी तरीके से हम उतना ही पतला बेल लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे, छोटा बड़ा इसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए, और फिर से उसी तरीके से हम ये देखिए बीच से कट्स लगा लेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे ज्वाइंट के लिए। बहुत आसान है इसको बनाना और सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, फिर से नीचे पानी लगा देंगे, ऊपर पानी लगा देंगे। पानी हम इसलिए लगाते हैं कि ये अच्छे से चिपक जाए। और फिर देखिए इस तरीके से एक बार फोल्ड किया और इसे चिपका दिया, और फिर पानी लगाकर फिर हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और बीच से ये देखिए बीच से ये इस तरीके से एक बार इसे हम घुमा देंगे अंदर की तरफ। ये देखिए तैयार है हमारे शाही शक्कर पारे फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में गरम होने के लिए, तो चेक कर लेते हैं कि तेल बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैदा मैंने डाला इसमें आटा, और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने शक्कर पारे बनाए हैं, ये देखिए इन्हें डाल देंगे, और इन्हें हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और तेल भी हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल देते हैं तो ये तुरंत लाल हो जाएंगे और अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए तेल बिल्कुल हल्का गर्म हो तब आप इसे डालें, और इसे फिर पलटते हुए अच्छे से दोनों तरफ से पका लें लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये देखिए हो चुके हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से हो चुके हैं, दूसरा भी हमने इसी तरीके से डाल दिया, और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी अच्छे से हो चुके हैं, कलर देखिए इनका बिल्कुल अच्छे से आ गया है। निकाल लेंगे इन्हें भी हम प्लेट में। ये देखिए तैयार हैं, और अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी में जब आप इन्हें डालें तो चाशनी बिल्कुल हल्की गर्म होनी चाहिए, गुनगुनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी में नहीं डालेंगे। और इस तरीके से एक एक दो दो डालकर इसे हम एक मिनट इसमें रहने देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी में डाल दें और एक मिनट रहने दें, उसके बाद इसे निकाल लें। तो यहाँ पर ये देखिए एक मिनट हो चुका है, निकाल लेंगे हम, और इसी तरीके से हम सारे इसमें डालकर निकाल लेंगे। ये देखिए फिर से दोबारा से हम इसी तरीके से डाल रहे हैं, और इन्हें अच्छे से पलटकर एक मिनट तक इसी चाशनी में रहने देंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमने सारे निकाल लिए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए सारे शक्कर पारे हमने चाशनी से निकाल लिए हैं, और चलिए अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखा ना आपने कि शाही शक्कर पारे बनाना कितना आसान है, और सच बता रही हूँ ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएं,
आप इन्हें किसी भी फंक्शन या किसी भी त्यौहार या होली आ रही है, आप इन्हें होली के त्यौहार पर बनाएं और सबको खिलाएं। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।